हाय दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, जो कि हम फ्री टाइम में कभी भी बना सकते हैं और बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बताती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्रेड्स। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है, बट आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी जो ब्राउन कोटिंग होती है वो मैंने हटा दी है। उसके बाद यहाँ पर हमें यूज़ करना है चिली फ्लेक्स, गार्लिक, सीजनल ऑरेगानो, कोरिएंडर लीव्स, बटर एंड चीज़। यहाँ पे मैंने स्लाइस चीज़ यूज़ किया है, बट आप चाहें तो मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं। और बटर मैंने अमूल का यूज़ किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पे हमने बटर यूज़ किया है उसे हम सबसे पहले पिघला लेंगे, ताकि हम इन्हें ब्रेड के साथ ईजिली यूज़ कर सकें। बटर हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पिघलाना है, ताकि ये जल ना सके। तो हमने यहाँ पे अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अपना बटर निकाल लिया है, और बाकी हम ब्रेड में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसे एक अलग से बाउल में निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे अपना गार्लिक यूज़ करेंगे। गार्लिक को हमें सबसे पहले यहाँ पे फ्राई करना है। एक तरीके से हम यहाँ पे पेस्ट बना रहे हैं, जो कि हम ब्रेड के ऊपर यूज़ करेंगे चीज़ के साथ। इसमें गार्लिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम अभी सबसे पहले गार्लिक फ्राई कर रहे हैं। गार्लिक के बाद हमें इसमें कोरिएंडर लीव्स डालना है। इन्हें हमें ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हमें इन्हें फ्राई करना है। हमें ये गार्लिक और ये कोरिएंडर लीव्स तब तक फ्राई करते रहना है जब तक गार्लिक में थोड़ा सा रेडिश लुक ना आ जाए, ताकि इसका स्वाद जो है वो बिल्कुल अच्छे से इस कोरिएंडर लीव के साथ मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फ्राई हो चुका है, और जो यहाँ पे गार्लिक है उसमें थोड़ा थोड़ा रेडिश लुक आने लग गया है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यहाँ पे अपने बटर को यूज़ करना है। पैन में सबसे पहले हम बटर यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम अपना यहाँ पे ब्रेड यूज़ करेंगे। हमें इसे अच्छे से एक साइड से टोस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये एक साइड से हमने इसे टोस्ट कर लिया है। इसे हमें सिर्फ एक साइड से ही टोस्ट करना है, ताकि दूसरे साइड हम यहाँ पे अपना बनाया हुआ पेस्ट डाल सकें। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है अपना चीज़। इसे हमने अच्छे से घिस लिया है, क्योंकि हमने यहाँ मोज़रेला चीज़ का यूज़ नहीं किया, इसलिए हमने इसे अपने स्लाइस चीज़ को अच्छे से घिस लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव। चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा सीजनल ऑरेगानो। तो हमने हमारी सारी फेवरेट चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बटर का यूज़ करेंगे। जो टोस्टेड साइड है हमें वहीं पे बटर यूज़ करना है सिर्फ, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। पेस्ट को हम अच्छे से अपने ब्रेड पे यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चीज़ का पेस्ट बनाया था उसका एक थिक लेयर अपने ब्रेड पे यूज़ करेंगे इस तरीके से। लेयर जो है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ताकि चीज़ का अच्छा टेस्ट आ सके हमारी चीज़ गार्लिक ब्रेड पे। आप देख रहे हैं इसका कलर और लुक कितना अच्छा लग रहा है। ये बनने के बाद और भी टेस्टी लगेगा। बटर का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना ब्रेड जिसमें हमने चीज डाली है उसको पैन पे रख देंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके इसे रख देंगे।